दोस्तों मैं आज आपको सभी को लेकर आया हूँ जो जैसलमेर है उसी के अंदर एक छोटे से गांव खाबा, उस खाबा गांव के अंदर जो फोर्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जो जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल 2022 चल रहा है उसका छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और आप देख सकते हो ये फोर्ट एक जो रेगिस्तान में जो पत्थर होते हैं, रेगिस्तान में जो पत्थर होते हैं उस पहाड़ पे बना हुआ है और बहुत ही सुंदर ये फोर्ट है। तो इसके अंदर चलते हैं और यहाँ का पूरा मैं आपको नज़ारा देख दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख रहे हो आप जो फोर्ट है और बहुत ही सुंदर इसका दृश्य है। अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और पूरा नज़ारा यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही शानदार फोर्ट। और हमारे यहाँ राजस्थान के जो कलाकार है वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं बहुत ही सुंदर तरह से। दोस्तों आप ये ऊपर से नज़ारा देख रहे हो खाबा फोर्ट का और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जो यहाँ के जो पील कलर के पत्थर है उसी से पूरा बनाया हुआ है और इस पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पूरा ये पूरा बनाया हुआ है। आप देख सकते हो ये खाबा फोर्ट, इसमें अलग से कोई चूना यूज में नहीं किया हुआ है, आप पूरे में देख रहे हो। और बहुत ही सुंदर ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ मैं जैसलमेर से। ये खाबा फोर्ट आप देख रहे हो मेरे चैनल पे और आप इस जगह आ सकते हो। आपको पहले जैसलमेर आना पड़ेगा, जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे ये खाबा फोर्ट स्थित है और बहुत ही सुंदर। दोस्तों जैसे इसमें खाबा फोर्ट पे पहुंचा तो यहाँ पे भी गुजराती भाई मिले हैं, तो आपको कैसा लगा ये खाबा फोर्ट? बहुत फाइन छे। अच्छा कूल भी छे, गर्मी आटली छे गुजराती में बोलू ने? हाँ कोई दिक्कत पण मस्त बैठा 10-15 मिनट तो 10 मिनट सारा सुंगावी गई एवं फाइन ठंडक लागी। अच्छा तो गुजरात में कौन सी जगह से हो आप? हम सूरत से। सूरत से ये देख सकते हो आप। और यहाँ से जो खाबा गांव है वो भी बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, मैं आपको वो गांव भी दिखा देता हूँ। आप इस जगह से देखोगे तो पूरा ये गांव आपको नज़र आएगा और बहुत ही अद्भुत नज़ारे यहाँ जैसलमेर से आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आई ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो ठीक रहेगी या गलत है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जब कुलदरा को छोड़ के गए थे तो
उन 84 गांव में से ये भी शायद एक गांव था जिसमें वो गांव के लोग निकले थे। यहाँ से भी आप देख सकते हो इस तरफ खंडर हो चुका है, लेकिन उस तरफ दोबारा ये गांव बस रहा है। आप देख सकते हो पूरा नज़ारा इस गांव का। और ये जो फोर्ट है ये भी, इसका भी मरम्मत का काम चल रहा है। दोस्तों मैं अब आपको जिस गांव में लेके चला हूँ, जो खावा गांव है, जो कुलदरा गांव है, उसी टाइम पे भी ये भी गांव उजड़ा था। और आप देख पा रहे हो कुलदरा तो आपने देखा होगा, लेकिन अब ये आप खावा गांव देख रहे हो, बहुत ही इसमें भी वीरान पड़ा है। लेकिन इस गांव में अब कुछ लोग बसने लग गए। इस तरफ आप देखोगे तो मकान मरने लग गए, क्योंकि श्रापित गांव नहीं है। आप वो कुलदरा श्रापित गांव है, वहाँ पे बस नहीं सकते, लेकिन इस गांव में अब कुछ कुछ लोग आके बसने लग गए और पूरा गांव ये आप देख रहे हो। दोस्तों जो खाबा गांव है वहाँ के सरपंच साहब से इस गांव के बारे में जान लेते हैं कि जो कुलदरा थी उसी टाइम पे भी ये भी उजड़ गया था, यहाँ के गांव वालों ने खाली करके चले गए थे, लेकिन यहाँ अब बसावट। तो आपका पहले से शुभ नाम? भगवान सिंह, श्री भगवान सिंह। अच्छा, तो वर्तमान में आप यहाँ के सरपंच हो यहाँ का? अच्छा, तो इसे आपकी पंचायत, इसे पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं? वैसे हमारे पंचायत में ग्राम पंचायत डेडा है, इसमें 5 गांव आते हैं, खाबा, खाबिया, डेडा, निबिया और जाजिया। अच्छा। 5 गांव आते हैं। और ये गांव पहले राजपूत पल लोग यहाँ उन गांव के रहने वाले थे, और उसके साथ में पलिवार लोग भी रहते थे। अच्छा। हाँ, पहले ये जो ऊपर जाल देवी है ना, ये बहुत ही मतलब 500-600 साल पहले की ये स्थापित की हुई राजपूतों की, और उसके बाद में राजपूतों ने ये अपनी बेटी के संकल्प में गांव छोड़ दिया, मतलब उसको ये संकल्प गांव उनको दे दिया बेटी को। अच्छा। और गांव ये छोड़ दिया उन्होंने पल राजपूतों ने, फिर ये पलिवार लोग यहाँ रहते थे, और एक समय ऐसा आ गया तो ये लोग मतलब गाँव ये खाली हो गया। अच्छा, उस टाइम पर पूरा खाली? हाँ, खाली हो गया। अब हमारे छोटा राजपूत यहाँ रहते हैं गांव खाबा में, राजपूत लोग रहते हैं। लगभग लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ? आबादी 70-80 घरों की है, 70-80 घर यहाँ रहते हैं राजपूत। और यहाँ से बॉर्डर की सीमा? बॉर्डर यहाँ कम से कम 45-60 किलोमीटर होगा, 45-60 किलोमीटर। तो दोस्तों ये देख रहे थे जो आप खाबा गांव है, जो फोर्ट के नज़दीकी ये गाँव है, और बहुत ही खंडर हो चुका, लेकिन इस तरफ मैंने आपको फोर्ट से ऊपर से दिखाया तो नज़ारा इसमें अब धीरे धीरे लोग बसने लग गए, और बहुत ही सुंदर नज़ारा।